अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब। और आज हम आपको ये दिखाते हैं सेपरल पोटैटो रेसिपी। ये देखें इसका कितना ये खूबसूरत लग रहा है आपको। ये ट्रेलर में शुरू में दिखा रहा हूँ मैं ऐसे, ये देखें ये पक गया और ये इस तरह कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरी आगे रेसिपी देखना, सेपरल पोटैटो इस तरह ये मशीन में लगाएंगे और लगाने से ये देखे किस तरह से ये इस तरह का बड़ा सारा रोल बनता जा रहा है। ये देखिए ऐसे ये स्टिक के ऊपर एक स्प्रिंग बन गया है ऐसे। ये देखिए अब इसको हम स्प्रिंग इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा फैलाते जा रहे हैं और देखें ये इस तरह पूरे स्टिक के ऊपर फैल गया। ये देखिए कितना बड़ा लार्ज बन गया, इतना बड़ा लार्ज। बहुत मज़े का है। इसकी रेसिपी पूरी देखिए आगे, इस तरह ऑयल में डाल दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर इसको दोबारा निकालेंगे तो ये बड़ा मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से हमने ये देखे पकते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखे इस तरह आलमी पक रहे हैं और हम इसको अभी जो जो है ये देखे बिल्कुल कितने अब खूबसूरत बन गए हैं। तो अब हम इसको एक अब निकालते हैं पीस को बाहर। ये देखे पीस जो है ब्राउन भी हो गया है और ये बिल्कुल सही तैयार हो गया है। इसको बाहर निकाल कर हम ये देखें बिल्कुल कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी खूबसूरत तरीके से जो है ना इसकी फिर गार्निश करते हैं ऊपर, ये देखने में बहुत प्यारा लगे इस तरीके से। ये देखें कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर ये स्पाइस लगाते हैं जो फ्लेवर होता है फ्लेवर का, ये वाला फ्लेवर स्पाइस ये हमने लगा दिया फ्लेवर टेस्ट ऊपर। ये इस तरह हमने ऊपर लगा देना, ठीक है। उसके बाद फिर हम टमाटो केचप लगाएंगे फिर। ये देखिए अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। ये कहते इस तरीके से फिर हम इसकी अब ऊपर से जो गार्निश जो मैंने आपको बताया कि हम इसके ऊपर ये टमाटो केचप लगा देंगे, इस टमाटो केचप लगा दिया। टमाटो केचप के बाद हम इसके ऊपर हम जो है ये क्रीम से गार्निश करेंगे। ये देखें इस तरह अब क्रीम लगा दी है। ये देखें तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।